हेलो फ्रेंड्स, आज हम दो तीन कलर के उनसे बहुत ही यूज़फुल आइटम बनाएंगे। बहुत ही क्यूट और बहुत ही सुंदर आइटम, ब्यूटीफुल आइटम। मेरा रोज़ वाला क्रूसिया है, ये देखिए 2.5 mm का और 4 नंबर वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये रानी कलर ले लिया, इससे मैं स्लिप नॉट लगा लूँगी। स्लिप नॉट लगाकर फ्रेंड्स 5 चैन बना लो, 1, 2, 3, 4, 5 5 चैन बना ली। और फर्स्ट वाली जो चैन है उसमें इसको मैं डालते हुए इसको यहाँ स्लिप स्टिच से बंद कर दूँगी। और ये हम छोटा सर्किल बना लेंगे, देखिए ये इस तरह से। ठीक है ना, आप यहाँ मैंने स्लिप स्टिच लेकर 3 चैन बना ली, 1, 2, 3 3 चैन बना के इस सर्किल में, चैन का जो सर्किल बना है इसमें क्रोशिया हुक डाल के डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक बनाया, एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक के 3 चैन का टोटल 12 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो अब मैं बाकी के बचे हुए डबल क्रोशिया बनाकर मिलती हूँ। अभी तो मैंने कितने बनाए, एक तो ये चैन का ही है, 1, 2, 3, 4 बनाए, 7 और बनाकर कंप्लीट करके मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने 11 डबल क्रोशिया बना लिया और यहाँ 3 चैन बनी थी, इसके टॉप में मैं डाल के स्लिप स्टिच लेंगे। मेरा फर्स्ट राउंड तैयार हो गया, टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, सेकंड मैं फिर 3 चैन, सेकंड राउंड के लिए 3 चैन बना लेंगे और इसी में 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ठीक है, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर नेक्स्ट वाली चैन है, ये चैन दिख रहे, चैन दिख रही, नेक्स्ट वाली चैन में फिर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर इसी के अंदर डाल के एक और बनाया। ये राउंड बेस तैयार कर रहे हैं हम, जिसका हमारा सेकंड है। मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि इसमें टेबल बोलते हैं, फर्स्ट राउंड में 12 थे और 12 2 जा सेकेंड राउंड में 24 24 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक में 2 2 बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं 24 डबल क्रोशिया सेकंड राउंड में बनाकर, 2 बनाया फिर 2 बनाया, 1 में फिर 2 बनाया, फिर 1 में और 2 बनाते हुए हम लास्ट में पहुंच जाएंगे और टोटल हम 24 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये सेकंड राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स मैंने मेरा सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देखिए 2 बनाए फिर 2 बनाए, प्रत्येक चैन होल में 2 डबल क्रोशिया बना लिया और लास्ट में आ गए और टॉप वाली चैन में स्लिप स्टिच लेते हुए, 3 चैन होने थी उसके टॉप वाली चैन में स्लिप स्टिच लेते हुए सेकेंड राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिर 3 चैन लेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट राउंड में 12 डबल क्रोशिया थे, सेकेंड राउंड में 24, ये थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड में 1 मैंने बना लिया यहाँ पर, नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 बनाया, फिर 1 और बना लिया इसी में, फिर नेक्स्ट वाले में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में 2 बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये देखिए, फर्स्ट में मैंने 1 बनाया, सेकंड मैंने 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया। इस तरह से थर्ड राउंड में मैं 36 डबल क्रोशिया बनाकर मैं मेरा ये थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये 12 के टेबल से चलेगा, 12 2 24 12 3 36, फिर यहाँ 2 बनाकर मैं मेरा ये थर्ड राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स 36 डबल क्रोशिया बनाकर देखिए फ्रेंड, मैंने थर्ड राउंड में 36 डबल क्रोशिया बना लिया है ना। 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर
फिर एक बनाया फिर दो बनाया, तो इस तरह से मैंने थर्ड राउंड में चौथी डब्लू से बना के यहाँ स्लिप स्टिच कर ली, एक चैन ले ली फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ से थोड़ा जोड़ देंगे, यहाँ से इतना, किस तरह से, ये बिल्कुल बीचों बीच ले आई हूँ, आधा आधा कर लिया। फिर इधर का फर्स्ट लूप ये देखिए, और इधर का भी फर्स्ट लूप, आप चाहे सुई से भी कर सकते हो, लेकर मैं स्लिप स्टिच कर दिया मैंने। फिर इधर का पूरा नहीं लेना, दोनों चैन को उठा कर एक फर्स्ट लूप लिया इधर का, उधर का भी फर्स्ट लूप लिया, इन दोनों को निकालते हुए ये यहाँ ये देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे, पूरा निकाल लेंगे, दो पांच बार यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ये देखिए ये लिया और ये लिया ये लिया, इस तरह से निकाला और इसमें से भी निकाले, तीन दो बार और कर लेंगे। ये देखिए ये देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ से दोनों के आगे आगे के लूप लेके स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और कर लेते हैं, देखते हैं। ये देखिए लेके स्लिप स्टिच कर दी। देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से हमने इसको जॉइंट कर लिया है, ऊपर से पांच बार करके हमने इसको जॉइंट कर लिया है। अब हम यहाँ इसको उनको कट कर देंगे, एक चैन लेके उनको कट कर देंगे फ्रेंड्स। कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब येलो उन ले ली मैंने, इससे हम स्लिप नॉट बनाकर, ठीक है, चार चैन बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन बना के फर्स्ट वाली चैन में मैं ये बना लूँगी, स्लिप स्टिच लगा लूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने स्लिप स्टिच बना ली। अब तीन चैन लेके फ्रेंड्स, एक दो तीन, ये जो गोला बना है ना चार चैन का, इसके अंदर फ्रेंड्स मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक दो, ये तीन, ये चार, इस तरह से हमें 12 डबल क्रोशिया, एक तो चैन का हो जाएगा और 11 डबल क्रोशिया, टोटल 12 बनाकर कंप्लीट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। मैंने 12 डबल क्रोशिया बना लिया है, चार चैन बनाकर, ये मैंने फेस बनाया फेस, ठीक है। अब हम क्रीम कलर की ऊन लेंगे, इससे हम विंग बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इसमें भी स्लिप नॉट लगा के, स्लिप नॉट लगा के हम छह चैन बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ, ठीक है, ये बना ली मैंने। देखिए फ्रेंड्स, विंग्स बनाने के लिए मैंने छह चैन बना ली फ्रेंड्स, ठीक है। छह चैन बनाने के बाद में यहाँ पर मैं तीन चैन और बना लूँगी, एक दो तीन, ठीक है। नेक्स्ट वाले में मैं डबल नहीं, छह चैन बना के तीन चैन डेट देती हूँ,
एक और दे देते हैं, मैं इसका राउंड बना लूँगी। ये फर्स्ट वाले चैन में मैंने स्लिप स्टिच ले ली और इसका राउंड बना लिया। फिर फ्रेंड्स मैं तीन चैन ले लूँगी, तो तीन और इसमें डबल क्रोशिया बना लूँगी मैं, ठीक है। एक दो तीन चार पांच और ये छह डबल क्रोशिया बना लिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये आधे आधे ही छह डबल क्रोशिया बना लिए। अब मैं पांच चैन बना लूँगी, एक दो तीन चार पांच, पांच चैन बना के मुड़ जाऊँगी फ्रेंड्स। और इसमें यहाँ तो ये मैंने बना लिए थे पांच, ये अब एक वाला पेटा, दो वाला पेटा, तीन वाला पेटा, तीन वाला पेट के नेक्स्ट वाले में मैं तीन वाला पेट की चार बार निकालूँगी, एक दो तीन ये चार, एक वाला पेटा, दो वाला पेटा, तीन वाला पेटा, चार बार निकालूंगी, एक दो का एक, दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक, ठीक है। दो बना लिए, पांच बनाने, दो और बनाने, दो ये तीन, इसी होल में से ये दो का एक कर लिया, दो का एक कर लिया, ये विंग्स बनाया, दो का एक, दो का एक, तीन बन गए। चौथा ये चैन का, ये चार, एक और बनाने, एक दो तीन वाला पेटा और इसी होल में से फिर दो का एक, दो का एक, दो का एक, फिर दो का एक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो तीन चैन का है, फिर एक दो तीन चार, ये चारों एक ही होल में से बना दिए, ठीक है। अब फिर मैंने दो वाला पेटा, अभी तो तीन वाला पेटा, दो वाला पेटेंगे, दो वाला पेट के नेक्स्ट वाले में हम ऐसे ही दो, एक वाला पेटा, दो वाला पेटा, नेक्स्ट वाले में हम ऐसा तीनवा निकालेंगे, दो का एक, दो का एक, दो का एक, ठीक है। एक बार दो वाला पेटा, ये भी पांच बना लेंगे, दो दो का एक, दो का एक, दो का एक, दो दो वाला पेटा, तीन मैंने दो का एक, दो का एक, तीन हो गए, दो वाला पेटा, ये चार हो गए, एक दो तीन चार, ये लास्ट दो वाला पेटा और तीन वाले निकाल लेंगे, दो का एक, ये लास्ट में दो का एक। तो फ्रेंड्स ये हमारे विंग्स बन के तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अब एक वाला पेटेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, दो का एक, दो का एक, पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे नेक्स्ट वाले में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक्स्ट वाले में पांच डबल क्रोशिया बना लिया। पहले तो चार वाला पेट के तीन बार निकाले, ये पांच बनाए, फिर ये मैंने तीन वाला पेट के ये और पांच बनाए, ये अब दो वाला पेट के मतलब डबल क्रोशिया के पांच बना लिए। अब वापस एक दो और ये तीन, तीसरे वाला पेट के नेक्स्ट वाले में मैं दो का एक, दो का एक, दो बार निकालूंगा, दो वाला पेट के एक बार, दो वाला पेट के तीन बार निकालूंगी, दो का एक, दो का एक, ये दो का एक, मतलब जैसे इधर किया ना वैसे ही अब इधर कर लेंगे, ठीक है। एक वाला पेटा, दो वाला पेटा, एक ही चैन होल में से पांच बार बना लूँगी, दो का एक किया, दो का एक डबल क्रोशिया बनाना है, दो का एक, दो का एक, दो बार हो गए, तीन बार और कर लेते हैं, एक दो तीन
एक दो का एक, दो का एक, दो का एक, चार, चार हो गए। देखे एक दो तीन चार हो गए, चार हो गए ना, दो वाला पेट के, ये दो का एक, दो का एक, दो का एक। अब लास्ट फ्रेंड्स हम तीन वाला पिटेंगे, एक दो तीन, और इस वाले में मैं चार बार निकालूंगी, दो का एक, दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक। ऐसा बना था ना, ऐसा कैसे लास्ट बना लेंगे, बनाकर मिलते हैं कंप्लीट करके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने तीन वाला पेट के चार बार बना लिया, और पांच चैन बना के यहाँ मैं इसी होल के अंदर स्लिप स्टिच कर दूंगी फ्रेंड्स, स्लिप स्टिच कर दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे ये विंग्स बन के तैयार हो गए, पंख। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने ठीक पहचाना, ये मैं अब यहाँ ऊन कट कर दूंगी फ्रेंड्स। ये हमारे एंजल के विंग्स बन के तैयार हो गए। ठीक है, अब इसको मैं असेंबल करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये फेस है, फेस को यहाँ लगाऊंगी और विंग्स को मैं पीछे लगाऊंगी। ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से मैं इसको विंग्स को पीछे लगाकर इसको आपको ग्लू गन से चिपकाकर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये विंग्स है, इसके ऊपर मैं ये चिपका दूंगी। ठीक है, ग्लू गन से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से। ठीक है, और इसी के ऊपर ये हेड चिपका दूंगी। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे पास ये दो मोती हैं, ये दो मोती लगाकर मैं की चेन लगा कर बताती हूँ इसका फाइनल लुक। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने एंजल वाला की चेन बना लिया, इसका फाइनल लुक देखिए। ये विंग्स बना लिए, ये हेड बना लिए, आईज लगा दी, कितना सुंदर बन के तैयार हुआ फ्रेंड्स, है ना। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता ही है फ्रेंड्स, तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब माय चैनल, है ना फ्रेंड्स। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है ना। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना टोटली फ्री है। तो आप, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इच्छा है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत डिज़ाइन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए कितना सुंदर मात्र 10 मिनट में बनने वाला आइटम है, खुद भी यूज़ कीजिए, बच्चों को गिफ्ट कीजिए, फ्रेंड्स में गिफ्ट कीजिए। और आपके सामर्थ्य है ज़्यादा बना सकते तो इसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।